Friends, welcome to my YouTube channel. Friends, हम profit and loss के बारे में पढ़ रहे हैं. पिछली videos में मैंने आपको कुछ tricks सिखाई है profit and loss की, जो competitive point of view से बहुत ज़्यादा important हैं. जैसे bank में या SSC CGL में या GKSSB में कोई भी competitive entrance हो, तो उनमें ये question बहुत ज़्यादा important हैं. तो उनके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखा रहा हूँ, जिससे कि वो वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम टाइम में हो जाए. जिन क्वेश्चनों को 10 या 15 मिनट लगते हैं, वो 10 सेकंड या 20 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं. तो फ्रेंड्स, आइए हम पढ़ते हैं कुछ ट्रिक्स आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में. अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो. मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. तो फ्रेंड्स, आइए हम सीखते हैं कुछ ट्रिक्स अब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में. पिछली वीडियोस में मैंने कुछ ट्रिक्स बोली थी, आज इस वीडियो में कुछ बोलूंगा और आगे भी वीडियोस में अपलोड करूंगा इन ट्रिक्स के ऊपर. तो फ्रेंड्स, आइए हम पहले इसमें पहली ट्रिक करते हैं. अगर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप के हों, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर आर एस एक्स, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हों जहाँ पर ये लिखा हो कि द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर आर एस एक्स इज एन टाइम, कि जो प्रॉफिट है वो अर्न्ड हो रहा है एक आर्टिकल को बेचने से, जब हम उसको एक्स कीमत पे बेचेंगे तो प्रॉफिट जो है वो एन टाइम्स हो जाएगा जो लॉस हुआ है. जो लॉस हुआ है उससे एन टाइम हो जाएगा जब उस आर्टिकल को हम बेचेंगे वाई कीमत पे. तो उसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया, ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, एक्स प्लस एन वाई इंटू एन प्लस वन, वेयर एन जो है हमारे पास क्या होगा, वो टाइम्स होगा, कितने टाइम्स वो हो रहा है, जो लॉस हो वो कितने टाइम्स हो रहा है, और एक्स हमारे पास ये आएगा प्रॉफिट आएगा और वाई हमारे पास लॉस आएगा. तो फ्रेंड्स, आइए हम अब इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक एग्जांपल है, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर आरएस 900. एक आर्टिकल हमने बेचा, उस पर हमारे पास प्रॉफिट जो 900 पे बेचने पर, जब हम उसको बेचेंगे 900 की कीमत पर बेचेंगे, जो प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास वो डबल हो रहा है द लॉस इंकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 450. जब हम एक आर्टिकल को 900 पे बेचते हैं, तब हमारे पास जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाता है उस लॉस के, जब हम उस आर्टिकल को 450 में सेल करते हैं. एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 25% प्रॉफिट. अब हमने क्या निकालना है, हमने वो सेलिंग कॉस्ट निकालनी है जिसपे हमारे पास 25% प्रॉफिट होगा. ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले सेलिंग प्राइस से पहले हमने क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है. और कॉस्ट प्राइस के लिए मैंने आपको ये फार्मूला, इजी वाला फार्मूला सिखा दिया है. तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आएगी, एक्स, एक्स हमारे पास प्रॉफिट होगा, एक्स हमारे पास वो प्राइस होगी जिसपे हमें प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट किस पे हुआ, ओवर 900 पे, प्लस एन क्या है, एन हमारे पास है कितने टाइम्स प्रॉफिट चेंज हो रहा है, तो इज डबल द लॉस, जो प्रॉफिट है वो डबल हो रहा है. इसका मतलब डबल मींस टू, तो एन मतलब टू हमारे पास है, एन टू. अब वाई, वाई वो कीमत है जिस पे लॉस हो रहा है, तो वो वाली कीमत कौन सी है, वो है 450. ये फ्रेंड्स अपॉन एन, एन हमारे पास निकला टू, टू प्लस वन, तो ये बनेगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 900 बाई थ्री, तो ये बनेगा 1800 बाई थ्री, तो ये बनेगा फ्रेंड्स 600. इसको कैंसिल करके, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास आई कॉस्ट प्राइस. अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है, क्या होता है सेलिंग प्राइस के लिए फार्मूला. जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, तो मेरी जो पुरानी पिछली वीडियोस हैं उनको उनमें देख लें, मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है. वो वाला फार्मूला क्या है, वो है 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इनटू सीपी. ये अब हमने क्या करना है, कि हमने किस प्राइस पे बेचना है हमारे पास प्रॉफिट जो है 25% हो जाए. तो हमने परसेंट का 100 लगा दिया, तो ये बनेगा 100 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू सीपी. कॉस्ट प्राइस अभी हमारे निकाली 600 रुपये.
फ्रेंड्स ये और ये कैंसिल, ये वाला ज़ीरो कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा, इस इसको प्लस करो तो ये बनेगा 125 × 6, तो ये बनेगा फ्रेंड्स 750। तो ये हमारे पास क्या निकली, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस निकली, जिस पे हमें प्रॉफिट कितना होगा, जिस पे प्रॉफिट हमारे पास 25% होगा। तो फ्रेंड्स आइए हम इसी मेथड के ऊपर एक और एग्जांपल करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली ये आती रहती है, इस टाइप की जो एग्जांपल्स हैं वो आती रहती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 1060 इज 20% मोर। जब हम एक आर्टिकल को 1060 में बेचते हैं तो हमारे पास जो है प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% मोर हो रहा है देन द लॉस इंकर्ड बाय सेलिंग द आर्टिकल फॉर RS 950। 20% ज्यादा हो रहा है जब हम उसी को बेचते हैं कितने पे, 950 पे। व्हाट शुड बी द आर्टिकल, व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू अर्न 20%। अब हम उस आर्टिकल को कितनी प्राइस पे बेचेंगे जब हमारे पास कितना प्रॉफिट होगा, 20%। तो फ्रेंड्स आइए हम करते हैं, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा हमारा फार्मूला जो मैंने अभी आपको सिखाया, एक्स प्लस एन वाई अपॉन एन प्लस वन। अब फ्रेंड्स एक्स तो हमारे पास आ गया, ये तो सिंपल है। अब मेन चीज़ है एन, एन क्या आएगा हमारे पास, देखिए फ्रेंड्स हमारे पास जो है 20% मोर हो रहा है, मोर इधर टाइम्स नहीं, ऊपर जो पुराना वाला क्वेश्चन था, पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें टाइम्स था, एन टाइम्स था, इसमें 20% मोर हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट वो 100% होता है, 100% से ऊपर हमारे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 20% मोर हो रहा है, इसका मतलब 100% प्लस 20%, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 120%। तो 1% का हम 100 लगाएंगे तो 120/100 बनेगा, बस ये फ्रेंड्स इधर भी हमने करना है। तो n हमारे पास आएगा 120/100 इंटू y ए 950/ n हमारे पास क्या आया, 120/100+1। ये फ्रेंड्स बस ये समझने वाला इसमें क्वेश्चन में है। तो फ्रेंड्स इसमें ये जीरो कैंसिल हो गया, ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा, 1060+12×95, इसमें ये और ये तो अपॉन में इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12+10/10। फ्रेंड्स इसको हम करते हैं, ये बनेगा 1060+95/12 1140/1, तो नीचे से आएगा 22/10। तो फ्रेंड्स ये क्या बनेगा ऊपर, तो फ्रेंड्स ये बनेगा हमारे पास 20/200 इसका अपान हो जाएगा, जब भी ऊपर हो जाएगा तो इसका अपान में हो जाएगा 10/22। तो फ्रेंड्स इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करके क्या आता है, ये टोटल आता है 1000, क्योंकि ये 100 से ही हो जाए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। अब हमने निकालना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के लिए वही फार्मूला लगेगा हमारे पास, SP = 100+ प्रॉफिट into CP by 100। तो हमने कितना कमाना प्रॉफिट, 20, तो 100+20/100 × CP, सीपी अभी हमारे पास 1000 निकली, 1000, ये कैंसिल, इसको कैलकुलेट करेंगे ये बनेगा 120 × 10, तो फिर से बनेगा 1200। ये आए पर हमारे पास आंसर, ये आई हमारे पास सेलिंग प्राइस, जिस पे हमें क्या होगा, जिसमें हमें 20% प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप दोनों क्वेश्चन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ ट्रिक्स जो मैंने आपको सिखाई प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि जिनको इसकी ज़रूरत है उनको भी इससे फ़ायदा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।